पानी के मारों का हाल जानते हैं फटाफट। पानी की मनमानी ने हर सू तबाही मचा दी। आसमान से टपकने वाला एक एक कतरा जमीन वालों के लिए खतरा बन गया। 3 दिन से जारी बरसात ने कहीं मौसम खिला दिया तो कहीं आफत ढा दी। डेरा गाजी खान मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा रखी है। छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात में कई अफराद जान से हाथ धो बैठे, बीसियों जख्मी हो गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों से आने वाले सैलाबी रेले से डेरा गाजी खान किनार में शगाव पड़ गया, जिससे डेरा गाजी खान और करीबी इलाके पानी में डूब गए। शहर के 2 दर्जन से जायद कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया, जिससे 3,000 से जायद मकानात डूब गए। पानी की तबाहकारियों और कई जिंदगियां निकल जाने के बाद डीजी खान में इमरजेंसी नाफिज करके फौज तलब कर ली गई। डीजी खान में भी बारिशों और पानी से घबराए शहरियों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया है। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज के रुमाइंडर तारिक इस्माइल से। तारिक बताएगा नकल मकानी करने वाले शहरियों की कितनी बड़ी तादाद है, उनका कहना क्या है और क्या मुतासरीन की इमदाद के लिए इंतजामिया भी कोई इकदाम कर रही है। जी, 18 घंटे पहले शुरू होने वाली नकल मकानी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और सैकड़ों मकीन अपने घरों को छोड़कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। मकीनों को अब भी खतरा है कि मजीद आने वाला रेला जो अब 3 घंटे के बाद मतवक्का है डेरा गाजी खान शहर में दाखिल होगा और उससे मजीद कोई नुकसान हो सकते हैं और लोग महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। जी अच्छा, ये बताएगा कि मुतासरीन की इमदाद के लिए इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है। जी, मुतासरीन के फौरी इमदाद के लिए 5 रिलीफ कैंप कायम किए गए थे, जहां पर उन्हें खाना फराहम किया जा रहा है। उसके अलावा उन्हें दीगर जरूरियात जिंदगी भी मुहैया की जा रही हैं। अभी चंद मिनट पहले सरदार मुख्तार अली खान खोसा सीनियर मुशीर वजीर आला पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का वजीर आला की जानिब से ऐलान किया, जिसके तहत 300 खेमे फराहम किए जा रहे हैं और साथ ही 4,000 थैले आटे के और 4,000 थैले चावल के, इसके अलावा 400 पैकेट खुराक और इसी तरह दीगर अशिया फराहम करने का ऐलान किया गया, जबकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से 10,000 पैकेट खुराक फौरी तौर पर भिजवाए जा रहे हैं। शहर में खड़ा होने वाला सैलाबी पानी निकालने के लिए 90 डीवाटरिंग पंप फराहम करने का ऐलान किया गया है। जी अच्छा तारिक, आपने बताया कि अभी तक 90 डीवाटरिंग पंप फराहम करने का सिर्फ ऐलान किया गया है, क्या जिला इंतजामिया की तरफ से अभी तक नकाफी आपके लिए कोई कोशिश नहीं की गई? जी, अभी तक जिला इंतजामिया की तरफ से निकासी आपके लिए कोई अमली इकदाम शुरू नहीं किए गए हैं। सीनियर मुशीर वजीर आला पंजाब सरदार मुख्तार अली खान खोसा ने अभी 90 डीवाटरिंग पंप पंजाब हुकूमत की तरफ से फराहम करने का ऐलान किया है, जो कि आइंदा 2 रोज में डेरा गाजी खान पहुंचेंगे। जितना पानी शहर में इस वक्त मुख्तलिफ मुकाम पर जमा हो चुका है, उसके लिए ये 90 डीवाटरिंग पंप मैं समझता हूँ कि नाकाफी रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया तारिक इस्माइल हमें अपडेट करने के लिए।